फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर पहुंच गए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में बुधवार को राफेल विमान लैंड हुए, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस दौरान वायुसेना चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया भी मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की यह पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये यूएई में रुके और बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे। राफेल के लैंडिंग पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, पंछी अंबाला में सुरक्षित रूप से उतर गए हैं। भारत में राफेल लड़ाकू विमान का टच डाउन हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। ये मल्टी रोल विमान भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में क्रांति लाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को समय पर बढ़ावा मिला। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। साथ ही बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ तब्दीलियां की गई। 3 दशक के बाद भी इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया है। देरी से केस दर्ज करवाने पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि परिवार को FIR दर्ज करने में 1.5 महीने इसलिए लगे क्योंकि परिवार शोक में था और मुंबई पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। मुंबई पुलिस परिवार पर ये दबाव डाल रही थी कि आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम दें। पटना में जब हम FIR दर्ज कराने गए तो पुलिस को FIR दर्ज करने में परेशानी थी। हम चाहते हैं कि पटना पुलिस पूरे मामले की जांच करे। झारखंड में मंगलवार को 802 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह अब तक एक दिन में मिले सबसे ज्यादा संक्रमित है। इससे पहले 26 जुलाई को 587 संक्रमित मिले थे। मंगलवार को हजारीबाग में कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। इस तरह राज्य में कोरोना से हुई मौतों का सरकारी आंकड़ा 94 हो गया है। राज्य में अब तक कुल 9,679 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 3,984 स्वस्थ हो चुके हैं। कुल 5,601 एक्टिव केस है। मंगलवार को अकेले रांची से 231 नए मरीज मिले हैं। झारखंड के बालूमाथ में कोरोना योद्धा का परिवार और 4 साल का बेटा जरूरी सामान के लिए तरस रहे हैं। दरअसल लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाला एक योद्धा कोरोना से संक्रमित हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर परिवार परेशान है कि 4 साल का बच्चा दूध के लिए रो रहा है, लेकिन किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने कहा कि कोरोना योद्धा के परिवार के साथ ऐसा सलूक शर्मनाक है। उसका 4 वर्षीय बेटा दूध के लिए रो रहा है। प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। कोरोना संक्रमित रोगियों की सेवा करते हुए ये कोरोना योद्धा खुद संक्रमित हो गए। परिवार आइसोलेशन में है, लेकिन प्रशासन से कोई सुध लेने वाला नहीं आया। झारखंड के बरहेट थाना में युवती से मारपीट, गाली गलौज मामले में निलंबित किए गए थानेदार इंस्पेक्टर हरीश पाठक की परेशानी बढ़ने वाली है। उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और स्पीडी ट्रायल से उन्हें सजा दिलाई जाएगी। DGP MV राव ने साहिबगंज के SP को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हत्या के केस में जेल में बंद कैदी के जबरन टेलीफोन बूथ में घुसने पर मंगलवार को एक सिपाही ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान उसका हाथ तोड़ दिया। सिपाही ने कैदी को जमीन पर घसीट कर पीटा। अब जेल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। कैदी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि कैदी सूरत महतो हत्या के आरोप में जेल में बंद है। हालांकि जेल प्रशासन हाथ में लगी चोट को मामूली फ्रैक्चर बता रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के पंचायत में रिकॉर्ड 88.2 mm बारिश हुई है। इससे धनबाद का मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार और गुरुवार को भी झमाझम बारिश होगी। मंगलवार को धनबाद में हुई बारिश से कृषि विभाग और किसानों के चेहरे खिल गए हैं।
क्योंकि यहां सामान्य बारिश में 12% की कमी थी। अब ये घटकर 8% हो गई है। वहीं अगले कुछ घंटे में झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड में ईमानदार अफसर की छवि रखने वाले आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार का महज 51 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। गढ़वा और खुंटी के एसपी रहे आलोक कुमार संयुक्त बिहार में डीएसपी बने थे। वर्ष 1999 में वह बीपीएससी से बहाल हुए थे। मार्च 2016 में उन्हें आईपीएस रैंक में प्रोन्नति मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।